हेलो नमस्ते दोस्तों, आज वेल किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी मटर से हम लोग बिल्कुल घर पे नया नाश्ता कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो मटर का नाश्ता बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने मटर लिया और मटर मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। आप अपने जितने घर में मेंबर्स हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं मटर। तो इस टाइम मैंने ये एक कटोरी से थोड़ी सी कम कटोरी मटर की ली है। तो अब ये मैंने सबसे पहले लिया है पानी, और पानी मैंने आप देख सकते हैं एक भगोने के अंदर लिया है। तो आधी मैंने आधी भगोनी इस टाइम पानी लिया है। तो अब चुटकी भर इसमें डालेंगे नमक, और जो मटर है उसको बॉईल करने के लिए इसमें डालेंगे। और गैस मैंने पहले से ऑन कर दी थी, तो अब इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में। अगर आपको मटर को बॉईल नहीं करना है तो आप मटर को पीस के भी नाश्ता बना सकते हैं। तो मटर को मैंने डाल दिया, तो इसको दो दो मिनट में चलाते रहेंगे हम इस तरीके से, और इसको 6 से 7 मिनट लग जाएंगी बॉईल होने में। अगर आपको बॉईल नहीं करना तो आप इसको पीस भी सकते हैं मिक्सी में मटरों को, फिर भी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो जब तक मटर बॉईल हो रहे हैं हम अपना नाश्ते का दूसरा स्टेप भी तैयार कर लेते हैं। हम अपना डो भी बना के तैयार कर लेते हैं, पेस्ट भी बना के तैयार कर लेते हैं हम। तो अभी ये मैंने लिया है कटोरा, आप देख सकते हैं बाउल लिया मैंने। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा भी मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम कटोरी लिया है। तो अब गेहूं का आटा मैंने डाल लिया है, तो जितना मैंने गेहूं का आटा लिया उतना ही हम सूजी को ऐड कर देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे धनिया, और अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने एक कटी हुई डाली है इसमें बिल्कुल बारीक। अब इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन मैंने आधी चम्मच ली है इस टाइम। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आप इसको डाल भी सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, और ये टेस्ट भी बढ़ाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें आधी चम्मच, ये मैंने आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया, ये डालेंगे। इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो काली मिर्च पाउडर होता है, काली मिर्च होती हैं वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, और उनको ठंडियों में खाना भी चाहिए। तो हम इस नाश्ते में बनाकर इसको खाएंगे तो नाश्ते का टेस्ट भी अच्छा लगेगा और ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, इसीलिए मैंने इसको डाला है। अब डालेंगे अमचूर पाउडर आधी चम्मच। अब डालेंगे चुटकी भर हींग, तो ये मैंने हींग ली है, हींग को डालेंगे। अब डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से रखनी है, थोड़ी सी गाढ़ा ही रखना है पेस्ट को हमको। तो अब इसको रखते हैं और अब मटर को चेक कर लेते हैं। तो मटर बॉईल हो चुके हैं, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो अब पानी को अलग कर लेंगे। तब इनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो मटर ठंडे हो चुके हैं, तो इसको हम हाथों से इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से मसल लेंगे। इस तरीके से पीस चुके हैं, तो मैंने हाथों के हेल्प से आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको दरदराई मसला जाता है, और इसको बारीक नहीं मसला है, इसीलिए मैंने इसमें मिक्सी का यूज़ नहीं किया, हाथ का किया है, क्योंकि हाथ से इसको इस तरीके से दरदरा हमको मसलना है, पीसना है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे, और ये मैंने आधी से थोड़ी सी कम नमक की चम्मच ली थी। तो अब इसमें डालेंगे नींबू का रस, और ये भी मैंने आधी नींबू का रस ही लिया है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमको काली मिर्च पाउडर डालना है, इसको भी मिक्स कर लेंगे।
तो ये मटर का पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब पैन ले लेंगे। तो अभी मैंने पैन लिया, तो पैन को थोड़ा गर्म करेंगे। तो पैन गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, और जो सूजी का पेस्ट था पहले वो डालेंगे मिक्स कर कर। तो सबसे पहले ऑयल को फैला लेंगे हम चारों साइड, और अब इसमें पेस्ट डालेंगे। तो पेस्ट को सेट करेंगे हम। तो पेस्ट को मैंने बिल्कुल गोल कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लेयर को इसको सेक लेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम है इस टाइम गैस का। तो पेस्ट अब थोड़ा थोड़ा सीख चुका है, तो अब मटर का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसमें फिर से सूजी वाला पेस्ट ऊपर से ऐड करेंगे। और इस टाइम चम्मच की हेल्प से करना है, और इस टाइम चम्मच की हेल्प से कर रही हूँ मैं इसके ऊपर ऐड पेस्ट को। तब इसको फर्स्ट लेयर से जो ऊपर ऊपर से, तो इसको थोड़ा सेक के हम पलट लेंगे। तो मैंने इसको पलट लिया था, अच्छी तरीके से क्रिस्पी सीख चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो अब इसको सेकेंड लेयर से भी सेक लेंगे इसी तरीके से। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ग्रीस कर लेंगे, जिससे हम लोग इसको जब पलटे तब इसका और भी अच्छा कलर आ सके। तो मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं मटर का कितना अच्छा तरीके से नाश्ता बना, और अच्छी तरीके से इसमें मटर भी स्टफिंग भरी हुई है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस तरीके से अगर घर में नाश्ता बनाएंगे, तो हमारे सिंपल तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताओ। प्लीज हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।